हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अब व्हाट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? तो जब हम किसी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं, व्हेन वी राइट अ रैशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। तो एक किसी रैशनल नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसे होता है, ये समझने के लिए अब हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स टेक सपोज दिस रैशनल नंबर इज नेगेटिव 103/5। सो दिस इज अ गिवन रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए वी विल डिवाइड नेगेटिव 103 बाय 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 103 को 5 से डिवाइड करेंगे। फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो वी विल गेट द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो 103 को 5 से डिवाइड करना है। 5 गोज इनटू 10 टू टाइम्स, 5 टू जा 10, माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 0। विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर नीचे लिखेंगे। अब 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी विल गिव हेयर डेसिमल पॉइंट। नाउ वी कैन गिव अ 0 हेयर। यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट देने के बाद में हम 0 लिख सकते हैं। नाउ दिस नंबर इज 30। तो 5 गोज इनटू 30 सिक्स टाइम्स, तो 5 सिक्स आर 30, 30 माइनस 30 इज 0। इसलिए देयर फोर 103/5, ध्यान रखिए मैंने पॉजिटिव नंबर लिखा है, 103/5 इज 2.6। और सिमिलरली देयर फोर नेगेटिव 103/5, दिस विल बी नेगेटिव 2.6। ठीक है, अब इस डेसिमल फॉर्म को क्या कहते हैं? तो दिस डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो चुका है और हमें रिमाइंडर 0 मिला है। जब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हम उसके आगे डिवीजन नहीं कर पाएंगे, देन दिस डेसिमल नंबर विल बी कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें और एक फॉर्म होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरा नंबर लेंगे और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। सो सेकेंड डेसिमल नंबर इज 9/40। अब हमें 9/40 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वी विल राइट 9 इन द डिविडेंड प्लेस। 9 इज द डिविडेंड एंड 14 इज द डिविजर। तो 9 को अगर 14 से डिवाइड करना है, 9 इज स्मॉलर देन 14, सबसे पहले हम 0 और एक डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। नाउ वी कैन गिव 10 हियर। सो 14 गोज इनटू 90 हाउ मेनी टाइम्स, 14 फाइव आर 70, 14 सिक्स आर 84 एंड 14 सेवन आर 98, वो उससे ग्रेटर हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। 14 सिक्स आर 84, तो 90 माइनस 84 इज 6, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट पहले ही दे चुके हैं हम, वी कैन गिव 10 हियर। Now 14 goes into 60 how many times? 14 fours are 56. So 14 fours are 56. 60 minus 56 is again 4. We can give 10 here. 14 threes are 42. 4 greater ho jayega. So 14 twos are 28. 28 minus karenge, we'll get 12. We can give again 10. 14 sevens are 98. 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, ये से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 14 8 जा 112, राइट। हम फिर से माइनस करने वाले हैं और ये डिवीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो रिमाइंडर है मैं यहाँ पे कैरी करता हूँ इस डिवीजन को। तो मैंने जो रिमाइंडर आया, डिफरेंस आया 120 माइनस 12, 80, वी कैन गिव 10 है। 14 5s are 70, again we can write 14 5s are 70, 80 minus 70 is 10, we can give again 10. 14 7s are 98, 98 minus karenge, we will get 2, again 10 we can give. So 14 1s are 14, 14 minus kiya, difference is 6. तो यहाँ पे हमें जो remainder 6 मिला है, वो पहले भी हमें एक बार remainder 6 मिल चुका है, डिफरेंस 6 पहले भी मिल चुका है, फिर से वही हमें डिफरेंस मिला है 6। अगर हम इसके आगे कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अगेन वी विल गिव 10, तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 टाइम।
फिर डिफरेंस वही आएगा 4, फिर ये मतलब रिपीट होता जाएगा पूरा डिवीज़न, इस स्टेप के आगे पूरा का पूरा डिवीज़न रिपीट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डिवीज़न स्टॉप करते हैं और ये जो नंबर है यहाँ से जब हमने 60 को डिवाइड किया था 14 से, 14 फोर ज़ा 56, 4 2 8 5 7 1, ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा। तो इसलिए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, तो वी विल राइट 9/14 इक्वल्स टू 0.642851। और यहाँ पे 4 से लेके जब हमने 60 को डिवाइड किया था 14 से, 14 फोर ज़ा 56, तो 4 से लेके 1 तक ये नंबर्स फिर से रिपीट होते जाएंगे। देयरफॉर इसलिए यहाँ पे हमने इसके ऊपर बार दिया है, और दिस डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, तो हमने अभी क्या समझा, हमने समझा कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेटिंग होता है, जो हमने इसके पहले देखा, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है उसमें रिमाइंडर 0 आता है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है उसमें नंबर्स रिपीट होते हैं। ओके?